मिनिमम 75 पार्टिसिपेंट का टारगेट रखा था, बट लोगों में इतना जोश होते हैं वहां पे। हर कल मैंने रिपोर्ट कलेक्ट किया तो देखा कि हर एक प्रोग्राम में मोर देन 75 किसी। वो अपने लाइफ में वो लोग डेली रूटीन में एडॉप्ट करें, और ताकि आगे देखे कि कितना हमें अच्छा फील हो रहा है, नॉट फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो। ओके नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। तो इसके साथ ही साथ हमने आज का प्रोग्राम बहुत शॉर्ट रखा है, ताकि थोड़ा सा ये शुरू भी लेट हुआ था, इसके लिए सॉरी। तो साथ ही साथ में आपने जो डिपार्टमेंट ने जिन्होंने हमें साथ दिया है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, लद्दाख पुलिस, पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, मेडिकल, म्यूनिसिपल एंड मीडिया पर्सन, सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों ने इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमें ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ दिए। इसके बाद मैं चीफ गेस्ट को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहती हूँ। सर, आप यहाँ पे आके ये इस फ्रीडम रन के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ में थोड़ा सा बोले। फ्रीडम रन जो आजादी के हमारे 75वीं साल आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेहरू युवा केंद्र ने ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारे जिला इंतजामिया के कोलैबोरेशन से हुआ है। जैसे कि तफसील से मैम स्पार्डोन ने आपको बताया ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। हमारे मुल्क ने की आजादी का 75वां साल, यानी हमारे मुल्क की आजादी का गोल्डन जुबली ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको योम आजादी यानी 15 अगस्त 2021 से काबिल 75 हफ्ता हमारे प्रधानमंत्री के इच्छा से शुरू किया गया था। जैसे कि आप सबको मालूम है, पूरे देश में हर विषय को लेके, हमारे एजुकेशन के सेक्टर में हो, तालीम के लिहाज से हो, खेलकूद के लिहाज से हो, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, यानी हर सतह पे, दही तरक्याती सिलसिले को लेकर हो, हर सतह पे, तो पिछले 75 सालों में हमारे जो देश में किस कदम काफी रफ्तार से एंड सेलेब रिलायंस सोसाइटी आई टेक ए प्लेस टू इंक्लूड 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन माय रूटीन, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। जय हिंद, थैंक यू।